बड़ी कवरेज पर हमारी नजर बनी हुई है, बड़ी कवरेज जारी है और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में भोपाल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अब से थोड़ी देर में भोपाल पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, ये बड़ी खबर। और लगातार तस्वीरें भी हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं, इससे पहले किस तरह से तैयारियां हो रही थी, तैयारियां किस तरह तेज हुई, तैयारियों का अंतिम चरण भी हमने आपको दिखाया और तमाम वीवीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला किस तरह से देखा गया है सुबह से ही, वो तमाम तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, निजी टीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब थोड़ी देर में भोपाल पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा और कौन कौन वीवीआईपी मेहमान पहुंच रहे हैं, उन तमाम मेहमानों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोपाल पहुंचे, इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब थोड़ी देर में जिनका सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का, वो भी पूरा हो जाएगा। इस बीच एकनाथ शिंदे भी पहुंचे हैं। तो महाराष्ट्र गुजरात देश के अलग अलग राज्यों से बीजेपी के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और मेहमानों के पहुंचने का यह सिलसिला लगातार जारी है। एकनाथ शिंदे को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां वो भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे, उनका स्वागत किया गया वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस को भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तमाम वीवीआईपी मेहमान योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। वासु हमारे सहयोगी लगातार आप पर सुबह से ही अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। वासु अभी आप कहां हैं और क्या अपडेट? और ये जानकारी मिली है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो स्टेट हैंगर की तरफ वो लैंड हुए हैं और वहां से पीएम मोदी के साथ ही संभवतः ये माना जा रहा है कि वो कार्यक्रम स्थल सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर मध्यप्रदेश के नए सीएम मोहन यादव का शपथ ग्रहण समारोह होना है। इससे पहले तस्वीरों में हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश से सीधे मध्यप्रदेश आए और राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर वो लैंड हुए और वो कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो पहुंचे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे, गुजरात के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। ये तमाम दिग्गज नेता जो हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और आप यहां तस्वीरों में ये सामने आप देख सकते हैं, ये उन तमाम बड़े नेताओं के जो कारकेड है वो आपको यहां पर नजर आएंगे जो सभा स्थल के लिए और रवाना हो रहे हैं। चाहे यूपी के मुख्यमंत्री आप योगी आदित्यनाथ की बात करें, जिन्होंने मध्यप्रदेश में बीजेपी के पक्ष में कई तूफानी सभाएं की थी, रैली की थी, और चूंकि उनकी अपनी एक पॉपुलैरिटी है और यूपी जो है स्टेट जो है वो मध्यप्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ एक राज्य है, हिंदी भाषी राज्यों की जो एक श्रेणी है उसमें उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा जो राज्य है वो माना जाता है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ का इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना कहीं ना कहीं बेहद खास हो जाता है। और आज से मध्यप्रदेश में मोहन युग की शुरुआत होने जा रही है। मध्यप्रदेश के लिए एक राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन जो है वो बेहद खास हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। और यही वजह है कि ये तमाम जो दिग्गज हैं, देश भर के जो दिग्गज हैं, बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं, जिनको एक फायर ब्रांड नेता के तौर पे जाना जाता है, जो लगातार बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करने का काम करते हुए नजर आते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। और ये आप यहाँ पे तस्वीरों में देखेंगे कि जो नेताओं का कारकेड है ये एक्सक्लूसिव, वो सबसे पहली तस्वीरें जो है वो यहाँ पर आपको न्यूज 18 के जरिए हम लोग दिखा रहे हैं। और आपसे कुछ ही देर में आपको इस बीच शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है, क्या कहा है, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया, जस की तस रखी दीनी चदरिया, ये बड़ा बयान क्या कहा है सुनवाते हैं आपको। कृपा की वर्षा करते रहें। आज 11:30 बजे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत, गृह मंत्री जी का स्वागत,
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का स्वागत। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। तो ये संदेश दिया शिवराज सिंह चौहान ने, सभी को शुभकामनाएं दी, स्वागत किया यहां पर कि पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे और कहा कि अब विदा, जस की तस रखी दीनी चदरिया। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहां एक तरफ वीवीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, थोड़ी देर में पीएम मोदी भी पहुंच जाएंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से ही, ये बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं, भोपाल पहुंच गए हैं पीएम मोदी, जिनके पहुंचने का इंतजार सभी को था, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। इससे पहले अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी भोपाल पहुंच चुके हैं और अब दोनों ही नेता साथ साथ लाल परेड ग्राउंड पर, जहां शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, वहां पहुंचेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, योगी आदित्यनाथ भी भोपाल पहुंच चुके हैं, यूपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों में से एक रहे योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, तमाम खास मेहमान वीवीआईपी लगातार सुबह से ही पहुंचने का सिलसिला जारी, हर एक तस्वीर आपको देखने को मिल रही है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री, जिनके पहुंचने का सभी इंतजार कर रहे थे, वो भी पहुंच चुके हैं, एकनाथ शिंदे भी पहुंचे हैं, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर यह है इस समय की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, योगी आदित्यनाथ भोपाल पहुंच गए हैं, एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं, देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं, तमाम मेहमान लगातार यहां उनके पहुंचने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। सुबह से ही तस्वीरें हम आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। वासु हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे किस तरह से उस काफिले के साथ है, जिस काफिले में कि एक गाड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और तमाम जो फायर ब्रांड नेता हैं वो लगातार यहां सुबह से ही पहुंच रहे हैं, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच गए हैं, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल पहुंचे हैं पीएम मोदी, शपथ ग्रहण में होंगे शामिल, अमित शाह भी पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर, दो खास मेहमान अब कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। वासु हमारे सहयोगी, वासु क्या जानकारी? अब बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश के लिए आज एक बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन, और पीएम मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भोपाल पहुंच चुके हैं, योगी आदित्यनाथ की बात करें, देवेंद्र फडणवीस की बात करें, एकनाथ शिंदे की बात करें, ये तमाम नेता जो है वो भोपाल में है। और सभा स्थल पर यानी कि शपथ ग्रहण समारोह जहां हो रहा है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, वहां पर ये सभी एक मंच पर नजर आएंगे और एमपी के नए सीएम चौंकाने वाला नाम मोहन यादव को शपथ दिलाएंगे। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का गठन हुआ है और बीजेपी को बंपर एक बड़ा बहुमत मिला और इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें मोदी मैजिक का एक बड़ा फैक्टर रहा है। और पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उनका मैनेजमेंट एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कारगर साबित हुआ। हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार मध्य प्रदेश में जो है वो बात हो रही थी और योगी आदित्यनाथ आपको, शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी लाल परेड ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आपके पास क्या अपडेट, क्या तस्वीरें, कुछ देर में वहां पर पीएम मोदी के पहुंचने की खबर है? बिल्कुल, देखिए लाल जो परेड ग्राउंड है यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी है और हम आपको दिखाएंगे कि जो मंच है यहाँ पर कुर्सियां दिखाई दे रही होगी जहाँ पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जहाँ बैठेंगे और जहाँ नव नियुक्त जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव बैठेंगे वो सारा आपको दृश्य दिखाई दे रहा है। इसके पास में हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये सारे महाकाल से जो धर्मगुरु है, महाकाल मंदिर और उज्जैन के धर्मगुरु को बुलाया गया है तो यहाँ पर धर्म और आध्यात्म की झलक भी आपको दिखाई देगी। आशीर्वचन देने के लिए सभी धर्मगुरु आए हुए हैं, सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको अलग अलग अखाड़ों के संप्रदाय के ये धर्मगुरु हैं तो यहाँ पर ये सभी आशीर्वचन देने के लिए आए हुए हैं, आशीर्वाद के लिए आए हुए हैं।
नए सीएम जो मोहन यादव शपथ लेंगे उनको, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारे जो राज्यों के 11 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम आएंगे उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है और उन तमाम वीवीआईपी नेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है जो इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस अब कुछ ही देर का इंतजार है जब सभी प्रमुख नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, पीएम मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और नवनियुक्त सीएम मोहन यादव को गवर्नर शैलेंद्र लौटेंगे आपके पास। तैयारियां आपने यहाँ पर दिखाई, तस्वीरें दिखाई, भव्य मंच यहाँ पर तैयार किया गया है। वासु हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार उस कारकेड के पीछे चल रहे हैं जिसमें सीएम योगी भी है। वासु जी बिल्कुल, देखिए जो योगी आदित्यनाथ है वो लगभग ये कहा जा सकता है कि जो कार्यक्रम स्थल है या जहां पर शपथ ग्रहण समारोह है वहां पर वो पहुंचने में है क्योंकि उनके कारकेड को लगातार हम यहां पे फॉलो कर रहे हैं और उनके कारकेड में तमाम जो गाड़ियां थी वो फिलहाल वीआईपी रोड जो है भोपाल की उसको क्रॉस कर चुकी है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगभग जो शपथ ग्रहण समारोह है, जो शपथ ग्रहण स्थल है भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से सीधे वहां पहुंच चुके हैं। और ये खूबसूरत नजारा, ये तस्वीर आप देखिए कि वीआईपी रोड के दोनों तरफ किस तरह से विशेष साज सज्जा की गई है, पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं के बैनर पोस्टर और बिल्कुल बीजेपी के झंडे जो है वो यहां पर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। भगवामय नजारा यहां राजधानी भोपाल में आज कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और साफ तौर पर जाहिर होता है कि बीजेपी को एक जो बड़ी जीत मिली है, बड़ी बहुमत मिली है, उसी के कारण है पीएम नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक जीत का नेतृत्व करने वाले जो नेता है वो राजधानी भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ये तमाम दिग्गज एक साथ मंच पर मौजूद रहेंगे और शपथ दिलाने का काम करेंगे। सुरक्षा के भी यहाँ पर वासु कितनी दूर और व्यवस्था है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। अब मुझे लगता है कि मुश्किल से 5 मिनट का फासला, ठीक है, मुश्किल से 5 मिनट का फासला होगा। शैलेंद्र चौहान भी लगातार जुड़े, शैलेंद्र वापस वासु का रुख करेंगे। जी वासु बताएं, जी बिल्कुल, देखिए किसी भी वक्त अब जो तमाम बड़े नेता हैं जिनका बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि वो मध्यप्रदेश की धरती पर कब पहुंचेंगे और कब शपथ ग्रहण समारोह में और जो एक बड़ी बहुमत बीजेपी को मिली थी उसका जिस तरीके से उसके बाद अब मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के चुने गए हैं, भाजपा विधायक दल के नेता उनके शपथ ग्रहण समारोह में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर वो शामिल होंगे, तो अब वो घड़ियां वो पल आ चुके हैं। और ये देखिए आप जिस तरीके से तैयारियां जो है वो लगातार की गई थी वो अब उनका एक अद्भुत जो दृश्य होगा, जो एक अद्भुत नजारा होगा वो अब सबके सामने होगा। जनता से लेकर तमाम जो नेता हैं, आला नेता हैं, वो बीजेपी के जो विधायक हैं वो सभी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो ये एक बड़ा दिन मध्यप्रदेश के राजनीतिक इतिहास में, एक नए युग की शुरुआत अगर इसे कहा जाए तो भी वो गलत नहीं होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में कि कुछ ही समय में अब जो है जो योगी आदित्यनाथ हैं वो सभा स्थल पर यानी कि शपथ ग्रहण समारोह जहां होना है वहां पहुंचेंगे और पीएम मोदी भी कुछ देर में मंच पर नजर आएंगे। संभवतः ये माना जा सकता है कि तमाम जो बड़े नेता हैं, जी वासु मेरा भी यही सवाल था कि जो काफिला रुका है वो क्यों रुका है, क्या वजह है आगे वहां पर रुका हुआ दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। शैलेंद्र चौहान भी जुड़ गए हैं, शैलेंद्र जी देखिए बिल्कुल यहाँ पर शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी है और आपको सुनाई देगा, हम दिखाई भी अगर दे रहा होगा तो यहाँ पर हम आपके साथी को भी बोलते हैं, यहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो आए हुए हैं वो यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो कार्यकर्ता है जिनकी बदौलत भाजपा की सरकार बनी है, जिन्होंने भाजपा के लिए काम किया, बूथ मैनेजमेंट में काम किया उनके, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है, जिस समय की तस्वीरें ये उस समय की हैं जब अमित शाह पहुंचे और जेपी नड्डा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन तस्वीरों में आपको तमाम बड़े चेहरे, शिवराज सिंह चौहान देखिए
मोहन यादव के साथ शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर पहुंचे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए। और तस्वीरें तमाम वीआईपी मेहमानों की हम आपको लगातार ही दिखा रहे हैं। अभी एकनाथ शिंदे को आप देख रहे हैं और थोड़ी देर पहले अमित शाह जब पहुंचे उनका स्वागत किया गया, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। देवेंद्र फडणवीस इन तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का स्वागत किया गया। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब पहुंचे तो भी उनके स्वागत के लिए कौन कौन वहां मौजूद था, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। शैलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए सभी प्रमुख जो नेता है वीवीआईपी सब नेता सभी पहुंचने लगे, सब एयरपोर्ट पर आ चुके और अब बेसब्री से इंतजार है कि वो कब इस लाल परेड स्थल पर आएंगे, कब यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले और सारे नेता एक साथ यहाँ पर आएंगे। इसके यहाँ पर एक ग्रीन रूम बना है, वहां पर सभी नेता कुछ जो वीवीआईपी आ चुके हैं वो बैठे हुए हैं। अभी अभी योगी आदित्यनाथ जो है सीएम, उनके भी आने की सूचना है। तो सभी प्रमुख नेता यहाँ पहुंचने लगे हैं, सभी अभी ग्रीन रूम में बैठेंगे और उसके बाद सब एक साथ मंच पर आएंगे। मंच पर वो टॉप लीडरशिप एक साथ नजर आएगी जो केंद्र की और मध्य प्रदेश की है, 11 राज्यों के जो भाजपा शासित राज्यों के सीएम है वो सब यहाँ पर नजर आएंगे, डिप्टी सीएम नजर आएंगे। चलिए एक बार फिर मंच की तस्वीरें दिखाइए जरा। बिल्कुल, हम हमारे साथी को कहेंगे देखिए आप ये वो मंच आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो धर्म गुरु है वो दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर जो उज्जैन है वहां से आए हुए तो वो सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ही देर में सभी प्रमुख नेता भी कमल का निशान देखिए, मंच से पहले ये कमल का निशान, एक बड़ा कमल का निशान यहाँ पर बनाया गया है। विशेष साज सज्जा किस तरह से की गई है, शैलेंद्र चौहान और हमारे सहयोगी जो कैमरा पर्सन है उनके जरिए हम आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। देखिए ये बेहद खूबसूरत कमल का निशान यहां पर, जो बीजेपी का निशान भी है और उसे यहां पर खिला हुआ कमल दिखाया है। थोड़ी देर पहले देखिए अमित शाह जब पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा वहां पर थे, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अमित शाह जिस वक्त पहुंचे उनका स्वागत किया गया वहां पर, उस वक्त की तस्वीरें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो तमाम बड़े मेहमान अब पहुंच चुके हैं, ग्रीन रूम पर हैं। देखिए प्लेन से नीचे उतरते हुए अमित शाह को आप देख रहे हैं, साथ में जेपी नड्डा भी आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के। और ये आपको तस्वीरें हम उस वक्त दिखा रहे हैं जब ये प्लेन से उतरे तमाम वीआईपी, हमारे वीआईपी मेहमान, और अब ग्रीन रूम में वीआईपी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उसके बाद सभी एक साथ मंच पर पहुंचेंगे, जैसी जानकारी शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी लाल परेड ग्राउंड से दे रहे थे। शिवराज सिंह चौहान को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए अमित शाह प्लेन से उतरते हुए सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। यहां अमित शाह का जब स्वागत किया गया उस वक्त की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और कौन कौन से बड़े चेहरे यहां मौजूद रहे वो भी आप देख पा रहे हैं। तो अमित शाह को ये फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए, उनके स्वागत अभिनंदन करते हुए ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं। तमाम मेहमान वीवीआईपीज लगातार पहुंच रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 पर आपको देखने को मिल रही है इस शपथ ग्रहण समारोह की हर एक तस्वीर, चाहे वो तैयारियों से जुड़ी हुई हो या फिर वीआईपी मेहमानों से जुड़ी हुई तस्वीरें हो। और देखिए दो तस्वीरों में, एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं अमित शाह जब पहुंचे और एक और तस्वीर में जब भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ये डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के, और ये बीजेपी के फायर ब्रांड नेता यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस वक्त पहुंचे उस वक्त तस्वीरें, दो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं जो वीवीआईपी मेहमान पहुंच रहे हैं, पहुंचे हैं थोड़ी ही देर पहले तमाम मेहमान। सुबह से ही तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। और मोहन राज की शुरुआत आज से होने जा रही है, उससे पहले सभी बड़े चेहरे, सभी खास मेहमान आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आपको नजर आने वाले हैं। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, स्टेट हैंगर पहुंचे, हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
अमित शाह जिस समय पहुंचे मोहन यादव ने उनका स्वागत किया, शिवराज सिंह चौहान भी वहां मौजूद रहे। और एक और तस्वीर में आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को और एकनाथ शिंदे को, बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण में खास तौर पर पहुंच रहे हैं। और अब सभी मेहमान लगभग पहुंच चुके हैं। कौन कौन से मेहमान हैं वो आप नीचे वाली टैली में भी देख पा रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिस समय अमित शाह पहुंचे उनका स्वागत किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। शैलेंद्र चौहान लगातार जुड़े हुए लाल परेड ग्राउंड से हमारे साथ। शैलेंद्र, बिल्कुल देखिए सभी वीवीआईपी आ चुके हैं, भोपाल पीएम नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं, सभी प्रमुख नेता सीएमओ आदित्यनाथ योगी आ चुके हैं। अब सिर्फ इंतजार है इस सभा स्थल पर आने का, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। यहां पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी है और हम हमारे सहयोगी को भी कहेंगे कि वो दिखाए यहाँ पर किस तरह से मंच पास, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, अभी हम बता रहे थे कि जो कमल बना हुआ है, जो खिलता हुआ कमल दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पर अब सभी पीएम नरेंद्र मोदी और यहाँ पर सभी आने लगे उनके, और देखिए पीछे हम आपको दिखाई देगा कि आपको कटआउट भी नजर आ रहे हैं, विशाल कटआउट नजर आ रहे हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी हो और जो भाजपा की टॉप लीडरशिप है अमित शाह नजर आ रहे हैं, नए सीएम मोहन यादव नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, सभी प्रमुख नेताओं के कटआउट होर्डिंग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है बस कुछ ही देर में यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, पीएम मोदी के, और यहाँ पर बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, कार्यकर्ता बहुत उत्साह में, सभी खुशी में है, भाजपा की सरकार एक बार फिर बनी है। तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम भी यहाँ पर पहुंचा है, सभी जो नवनिर्वाचित विधायक है उनके रिश्तेदार भी आए हुए, उनके परिवार जन भी है, और वो सभी खुशी जता रहे हैं यहाँ पर एक बार फिर बीजेपी की सरकार। देखिए आपको मंच पर दिखाई देगा जो धर्मगुरु दिखाई दे रहे हैं, ये सभी उज्जैन से आए हुए धर्मगुरु, और ये सभी धर्मगुरु कहीं ना कहीं सनातन की झलक, कितना मध्य प्रदेश में सनातन एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो सनातन की झलक आपको दिखाई दे रही है, इतने सारे धर्मगुरु आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। और सभी यहाँ पर किसी के हाथों में कमंडल है, किसी के हाथों में अपने जो सभी प्रमुख जो धर्मगुरु यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर कुछ ही देर में अब सभी वीवीआईपी मेहमान वीवीआईपी पहुंच जाएंगे मंच पर, और वही तैयारी चल रही है कि अब शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। कुछ ही देर का इंतजार है जब यहाँ पर सभी प्रमुख नेता यहाँ पर दिखाई देंगे, तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, बस अब शपथ ग्रहण का इंतजार है। वासु के पास चलेंगे। शैलेंद्र रुकिए आप यहाँ पर, वासु आप बिल्कुल देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे लाल परेड मैदान में लैंड हो चुके हैं जी, और संभवतः पीएम मोदी आपको यहाँ पे कुछ देर में नजर आएंगे, और एक और जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे आपको लैंड होता हुआ दिखाई देगा। आप तस्वीरों में देख सकते हो, सबसे पहली और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है सिर्फ न्यूज 18 पर। बिल्कुल, तीनों जो हेलीकॉप्टर हैं वो लाल परेड मैदान इस समय पहुंच चुके हैं, जहां पर जो हेलीपैड है वो यहां पर बनाया गया था, और इस मैदान के ठीक पीछे आपको मैं बता दूं कि जो मंच है शपथ ग्रहण समारोह का वो यहां पर बनाया गया है, और कुछ ही देर में यहाँ पर आपको पीएम मोदी जो है वो नजर आ सकते हैं, और वो लैंड होते ही यहाँ से सीधे सभा शपथ ग्रहण समारोह की ओर जो है वो रवाना होंगे। इससे पहले हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो यहाँ पहुंचे, एकनाथ शिंदे यहाँ पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेता दिग्गज नेता जो हैं वो भोपाल पहुंचे हैं। और आप यहां देखेंगे कि जो मूवमेंट है
अब वो काफी ज्यादा तेज होता हुआ अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा, नजर आएगा। और ये देखिए आप तस्वीरों में किस तरह से जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो फिलहाल अभी बाहर आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। ये तीनों ही हेलीकॉप्टर जो हैं वो मौजूद हैं भोपाल के लाल परेड मैदान में। इस समय इनकी जो लैंडिंग है वो हो चुकी है। एक कारकेड भी यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें बैठकर पीएम मोदी जो हैं वो स्टेज तक पहुँचेंगे, मंच तक पहुँचेंगे, जहाँ ग्रीन रूम बनाया गया है वहाँ वो पहुँचने का काम करेंगे। और इसके साथ ही जो तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, फोर्सेस हैं, वो अब यहाँ पर सभी तरफ जो है वो एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो हेलीकॉप्टर्स हैं अब वो शट डाउन हो रहे हैं, टर्न ऑफ हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो फैंस हेलीकॉप्टर के वो धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। किसी भी वक्त यहाँ पर तस्वीरों में जो है वो प्रधानमंत्री नजर आ सकते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद खास हैं। और इसी पल का इंतजार जो है वो लगातार किया जा रहा था। और देखिए आप पीएम के काफिला जो है आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी, और जो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। आप ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, जो तमाम बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो अब हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे हैं। और किसी भी क्षण पीएम जो है वो भोपाल में लाल परेड मैदान पे, जिसका एक अपना इतिहास रहा है, वहां पर पहुंचेंगे और आज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमने देखा है इस पूरे चुनाव में किस तरह से मोदी फैक्टर रहा है, मोदी पीएम मोदी का जादू जो है वो चला है। और बीजेपी को एक लंबी सरकार के बावजूद, एंटी इनकम्बेंसी के एक फैक्टर के बावजूद बड़ी बहुमत मिली, और आज उसी सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो भोपाल के लाल परेड मैदान पर यहाँ पे आयोजित आज किया जा रहा है। तो ये बड़ा दिन और इसी दिन का बेसब्री से इंतजार था सभी को, ना सिर्फ राजनेताओं को बल्कि मध्य प्रदेश की जनता की बात करें, और ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पूरे देश की जो निगाहें हैं वो इस क्षण पर टिकी हुई थी, इस पल को, इस मूवमेंट को देखने के लिए टिकी हुई थी। और सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एक बड़ा सस्पेंस बना रहा मध्य प्रदेश में रिजल्ट आने के बाद कि अब मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और मोहन यादव जो पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान किसी पोस्टर में नजर नहीं आए, किसी तस्वीर में नजर नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद पीएम मोदी और केंद्रीय आलाकमान ने उनको कमान सौंपी और एक बड़ा निर्णय कहीं ना कहीं लेने का जो काम है वो आलाकमान की ओर से किया गया। तो पीएम मोदी यहां पर इस वक्त आप तस्वीरों में देखेंगे और वो अब अपनी गाड़ी में बैठते हुए यहां पर आपको दिखाई देंगे। पीएम मोदी भोपाल में उतर चुके हैं और देखिए उनके लिए जो एक गाड़ी बुलवाई गई थी, पीएम मोदी उस गाड़ी में मुझे लगता है कि सवार हो गए हैं, जो आप यहां पे तस्वीरों में देख रहे हैं। और अब वो यहां से रवाना होंगे शपथ ग्रहण समारोह की ओर, और तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी के वो उनको यहां पर रिसीव करने पहुंचे, वेलकम करने पहुंचे। और अभी ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो भोपाल का लाल परेड मैदान है, और लाल परेड मैदान पर जो हेलीपैड बनाया गया था ये वहां की जो सीधी तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए पीएम मोदी की जो गाड़ी है वो अब यहां से रवाना होती हुई आपको दिखाई देगी, नजर आएगी पीएम मोदी, और चारों तरफ जो गार्ड्स हैं वो यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे गाड़ी के साथ जो चल रहे हैं। और फिर जो अन्य वाहन होते हैं कारकेड के, वो पीएम मोदी के अन्य जो वाहन है कारकेड के, अब वो उनको वहां पर फॉलो करते हुए दिखाई देंगे, फॉलो करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो बड़ी तस्वीरें थी आज के दिन की, सबसे बड़ी तस्वीरें जिसका सभी को कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतजार था, ये वो तस्वीरें। और अब
से कुछ ही देर में, यानी कि देखिए बिल्कुल शेड्यूल्ड जो प्रोग्राम था बिल्कुल उसी हिसाब से अब तक का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। 12 बजे शपथ ग्रहण जो है वो शुरू हो जाएगा। ये माना जा रहा है कि करीब 11:30 बजे पीएम मोदी मंच पर नजर आएंगे। तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं तीनों ही हेलीकॉप्टर लैंड हुए, फिर पीएम मोदी जो है उतरे हैं और अपने अब कारगेट के जरिए वो मंच तक पहुंच रहे हैं। जो मंच है वो सीधे इस जगह के बिल्कुल पीछे की तरफ बना हुआ है, लाल परेड मैदान है और इसके पीछे वो स्थान है, वो कार्यक्रम स्थल है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो ये अब बड़ी तस्वीरें और ये देखिए आप सिलसिलेवार रूप से यहाँ पे देखेंगे कि जो कारगेट है, जो काफिला है पीएम मोदी का, वो अब यहाँ से धीरे धीरे हो रहा है हेलीपैड से। ये पूरा जो कारगेट है वो यहाँ पर आपको अंदर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा जहां पर आज का ये पूरा कार्यक्रम आयोजन होना है। और पुलिस की यहां पर भारी बड़ी व्यवस्था, चारों तरफ से जो पुलिस के जवान है वो तैनात कर दिए गए हैं और बैरिकेडिंग भी आप मैदान पर देख सकते हैं कि सभी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के इतने चाकचौबंद इंतजाम हैं कि परिंदा भी शायद यहां पर न मार सके। जी आप वहां पर जिस तरीके से बता रहे थे तस्वीरों में कि किस तरीके से अब काफिला पीएम मोदी का लाल परेड ग्राउंड के रवाना वहां से हो रहा है और तमाम जो बड़े और दूसरे मेहमान हैं वो पहुंच चुके हैं स्टेज पर, हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। और वासु हमें यहां पर लगातार बता रहे थे कि ये जो हेलीपैड खासतौर पर यहां पर बनाए गए, तीन हेलीकॉप्टर उतरे उसमें से एक हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री मोदी उतरे, उनके तमाम जो तमाम बड़े नेता थे वो उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद थे। और अब यहां से वो काफिला निकल चुका है लाल परेड ग्राउंड के लिए। ठीक परेड ग्राउंड के पीछे ही ये हेलीपैड यहां पर तैयार किए गए थे। इसके अलावा मंच की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, तमाम और मेहमान भी आपको यहाँ इस तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ भी मंच पर पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच जाएंगे मंच पर, वो आपको दिखाई देंगे। तय कार्यक्रम के हिसाब से ही ये पूरा जो समय है वो समय के हिसाब से ही कार्यक्रम आगे चल रहा है। और ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की जब हेलीपैड पर ये हेलीकॉप्टर उतरे, और एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां मंच पर पहुंचते हैं। जी वासु, आप बिल्कुल देखिए अब लगभग मुझे लगता है कि वो पल वो क्षण आ चुके हैं क्योंकि पीएम मोदी का ही बेसब्री से इंतजार था। पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमने सिर्फ न्यूज 18 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़, यानी कि इलेक्शन मतलब न्यूज 18 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़, और सबसे पहले हम तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं चाहे कोई वीआईपी मूवमेंट हो, बड़ा कार्यक्रम हो। और एक बार फिर से इस कसौटी पर न्यूज 18 खड़ा उतरा है। पीएम मोदी के बिल्कुल जो सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी वो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई और अब पीएम मोदी जो है वो मंच की ओर रवाना हो गए हैं। ये संभवतः माना जा सकता है कि कुछ देर वो ग्रीन रूम में वहां पर तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे मिलेंगे और करीब 11:30 बजे वो मंच पर पहुंच सकते हैं जहां पर जो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता बीजेपी के पहुंचे हैं, जो जनता पहुंची है, उनका वो वहां पर अभिवादन स्वीकार करेंगे। और इसके बाद विधिवत रूप से जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, मोहन यादव जो जैन से आते हैं, बाबा महाकाल की नगरी से आते हैं, बाबा महाकाल की कृपा बीजेपी पर हुई है, प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिली है, उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। और इसके साथ ही डिप्टी सीएम के रूप में जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला के पास जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी थी और जगदीश देवड़ा वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, उन दोनों ही नेताओं को डिप्टी सीएम की शपथ जो है वो दिलाई जाएगी, यानी कि वो भी प्रमोट हो रहे हैं इस बार। उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी मोहन यादव के पास थी लेकिन अब वो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। तो ये आज का बड़ा दिन और एक नए युग की शुरुआत। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से बीते अगर दो दशकों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान का वहां पर जलवा जो है वो नजर आया और तमाम लोकप्रियता। वासु रोकेंगे आपको, काफिला देखिए, यह पीएम मोदी की गाड़ियों का काफिला है, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहां पर पहुंच चुका है। ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लाल परेड ग्राउंड के बाहर। और लगातार वासु आपको बता भी रहे थे कि किस तरीके से वहां पर जब हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरे हैं तो क्या मूवमेंट थी वहां की। और अब प्रधानमंत्री मोदी किसी भी क्षण आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। ये जब योगी आदित्यनाथ तमाम वीआईपी मेहमान पहुंचे थे उस वक्त तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और थोड़ी देर पर मंच पर दिखाई देंगे आपको प्रधानमंत्री मोदी भी, क्योंकि अब बाकी और मेहमान स्टेज पर पहुंचे हुए हैं। और अब ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हर एक मूवमेंट की तस्वीर आपको सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर देखने को मिल रही है। और तमाम हमारे रिपोर्टर्स
हर महत्वपूर्ण लोकेशन पर हैं, जहां से आप तक हर एक तस्वीर हमारे कैमरे पर्सन वीडियो जर्नलिस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि कोई तस्वीर आपसे छूट ना जाए। और देखिए शिवराज सिंह चौहान को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम बड़े चेहरे आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए खास तौर पर यहां पहुंचे हुए हैं, और सभी को इंतजार है बस अब प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का। और बस कुछ ही क्षण में, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपको यहां देखने को मिलेगी। वो पहुंच जाएंगे स्टेज पर और लगातार हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एमपी में आज से शुरू हो रहा है मोहन युग, मोहन राज की शुरुआत हो रही है, और किस तरह से जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया, जिसके बाद हर कार्यकर्ता बीजेपी का ये कहता हुआ सुनाई दिया। नरेंद्र तोमर को देखिए यहां पर कि देखिए ऐसा सिर्फ बीजेपी के अंदर ही संभव है, और कुछ ही देर में तय समय के मुताबिक ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह। तमाम धर्म गुरु जो हैं वो भी बुलाए गए हैं, खासतौर पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से, उज्जैन से ही विधायक है मोहन यादव भी। धर्मगुरु कहाँ है? तस्वीरों में दिखाई देंगे आपको, तमाम बड़े मेहमानों के साथ मंच के एक तरफ धर्मगुरु भी हैं। ये आप इस समय मंच की तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमको तो इसको नहीं दिखाई दे रहा। नरोत्तम मिश्रा को आप यहां पर देख सकते हैं, नितिन गडकरी, और किस तरह से वीवीआईपी मेहमान सुबह से ही